अगर आप कोई कैरेक्टर इनकम या कोई अन्य सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको अब तहसील आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सभी सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन बनेंगे। यह जानकारी सोलन के SDM अजय यादव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, इसलिए एहतियातन जिला प्रशासन ने जरूरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि तहसील और उपायुक्त कार्यालय में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारी भीड़ जुटती है। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर अपने सर्टिफिकेट बनाते हैं। इस दौरान कोरोना नियमों की पालना भी नहीं होती है। कोरोना ज्यादा न फैले इसके लिए अब सभी तरह के सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन ही मिल सकेंगे। सोलन में SDM अजय यादव ने बताया कि जागरण और भंडारे की किसी भी तरह की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट एवं अनुमतियां तहसील और उपायुक्त कार्यालय से मिलती हैं, उसका आवेदन अब ऑनलाइन हो पाएगा। शादी या कोई अन्य कार्यक्रम के लिए भी अनुमति ऑनलाइन ही दी जाएगी, इसलिए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों में ना जाए। उन्होंने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए तो वह शादी का कार्ड या नापत्र पर स्टैंप लगाकर आवेदन कर सकता है। जो भी जानकारी ऑनलाइन मांगी जाती है वह आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को 72 घंटे पहले यह बता दिया जाएगा कि उसे अनुमति प्रदान कर दी गई है या नहीं। देखिए, अगर किसी भी प्रकार का आप फंक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो भंडारा जागरण के लिए राज्य स्तर से ही आदेश आया है कि ये पूरी तरीके से बंद है। भंडारे और जागरण की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी जो भी कोई आपके पारिवारिक फंक्शन है, मैरिज है या कोई और फंक्शन है, उसके लिए आपको covid.hp.gov.in की साइट पे जाना है और उस पर अपने आप को रजिस्टर करके इवेंट के लिए या फंक्शन के लिए अप्लाई करना है। फंक्शन के लिए अप्लाई करते वक्त साथ में कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने है। मैरिज है तो मैरिज कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो सिंपल आवेदन 6 रुपए के डाक टिकट लगा के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से आप बाजार में ना जाए, बसों में ना जाए या किसी सरकारी कार्यालय में ना आए, क्योंकि अभी काफी लोगों का देखा गया है कि वो आवेदन बहुत पहले कर देते हैं, क्योंकि आवेदन भी काफी ज्यादा आते हैं। तो आवेदन तो आप कभी भी कीजिए, लेकिन 72 घंटे से पहले आपके आवेदन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई जो कमी होगी वो आपको बता दिया जाएगा। नामों की सूची जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है उनको मेंटेन करना है। अगर आप किसी तरीके का इवेंट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से आ रहा है, वो आपके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। और हम लोगों से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई अगर बाहर से आ रहा है, हाई रिस्क जोन से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है या महाराष्ट्र से आ रहा है, तो वो स्वेच्छा से अपने टेस्ट करा ले। इसमें उनके और उनके परिवार की ही सेफ्टी है। शादियों की वही संख्या जो अभी पिछले हफ्ते राज्य स्तर पे जो फैसला लिया गया तो वही है। अभी जैसे ओपन स्पेस में जहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा वहाँ पे 200 है, क्लोज स्पेस में 50 है।